कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए जा रहे पहले चरण के वैक्सीनेशन की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की रूपरेखा तैयार कर ली है। 5 फरवरी को ही दूसरे चरण के तहत वैक्सीन की पहली डोज देने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की सफलता के लिए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में किया गया, जिसमें CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि दूसरे चरण के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जानी है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा की गई तथा निर्देशित किया गया है कि सभी वर्कर्स अपना वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, बाकी मेडिकल प्रोफेशनल सर सब दिन है सर, मैंने भी लगवाया है सर, देखिए तो कन्विंस कर रहे हैं सर वो आप इसके कारण हमारे काफी डाउन किया है सर। दोबारा मौका दिया जाएगा 5 को आंध्र प्रदेश 15 को दिया जाएगा। ये मैसेज क्लियर कर दीजिए 4 को आए और ये भी बता दीजिए कि सबसे सेफेस्ट वैक्सीन है। हाँ ये नहीं आशा भी नहीं लगवा रहे हैं, हमारे भी नहीं लगवा रहे हैं। लास्ट के जो फेजेस हमारे बढ़े हैं, जो 82% हम ले आए हैं, हमने आशाओं को मोटिवेट कर लिया तो हम सब मोटिवेट करते रहे। सात फरवरी तक अपलोड कर देना है, जबकि NHA, महुआ, डिफेंस, सेंट्रल स्टेट और लेवल 3 ऑफिसर को कुछ आईडी लिंक मिला था, जिसका डेटा सेंट्रल से ही अपलोड होके पोर्टल पे आ रहे हैं। तो 12 और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो सेंट्रल का 1449, फ्रंटलाइन वर्कर NHA 10414, फ्रंटलाइन वर्कर 4212, हेल्थ केयर वर्कर MOD 21 और स्टेट SCW 24394 के सारे डेटा जो है कि पोर्टल पे अवेलेबल है। पीछे के सर जो अभी हमने सत्र प्लान किए थे तो इस 16 तारीख लोगों को आना था वैक्सीनेशन के लिए और जो स्वास्थ्य और ICDS डिपार्टमेंट से थे, परंतु उसमें 10676 लोग कोविन पोर्टल पे अपलोड हुए और सरकार की भी यही मंशा है कि कोई भी डेटा पोर्टल का ही मान्य होगा और जो लोग बेनिफिशियरी पोर्टल पर पहले से अप्रूव हैं, किसी भी बाहरी व्यक्ति का वैक्सीनेशन नहीं कराया जाएगा। अभी वैक्सीनेशन में सेकंड फेज में हमारे जो जितने फ्रंटलाइन वर्कर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं और पंचायती राज के हैं या अन्य विभागों के हैं, उनको लगना है, तो उसको लेके जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको बनाया गया है आज। और जो पिछली मीटिंग, जो पिछली वैक्सीनेशन हुई है, उसमें जो 2-3 मुद्दे सामने आए थे वेबसाइट को लेके, उसका भी निस्तारण आज किया गया।